ना गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करेंगे आप लोग कैसे हैं, और ये भी बताएंगे ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, कल हम लोगों ने बात भी की थी थोड़ा, जो वोकैब आपके 14 नंबर की एग्जाम में आती है, यानी जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड होमोफोन्स फ्रेजेस वगैरह आपके जो एग्जाम में आते हैं, उसकी हमारी सीरीज चल रही है। पहली सीरीज हम लोगों ने कल सिनोनिम्स की सीरीज डाल दी थी, यानी जो 12th क्लास में या फिर जो भी डिफरेंट एग्जाम होता है उसमें इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आते हैं। कल हम लोगों ने लगभग 60 सिनोनिम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और जिस बंदे ने वो उस वीडियो को नहीं देखा था, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को जाके अवश्य देखें, वो इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आप लोग पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स उसी में से 2 और 22 के एग्जाम में फंस जाएंगे। आज हम लोग इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स के बारे बात करेंगे, सेलेक्टेड एंटोनियम्स के बारे बात करेंगे। आपको अगर एंटोनियम्स के आज की क्लास के एंटोनियम्स को आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर एंटोनियम्स, यानी इन फ्यूचर तो नहीं, आपको एग्जाम में याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो जो भी 2 और 22 में जो भी एग्जाम होने वाला है। अंजलि सोलंकी हेलो सर, हेलो अर्जुन शर्मा, राधे राधे भैया, राधे राधे। सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दें क्लियर है कि नहीं, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे क्लियर है कि नहीं, सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे एक बार क्लियर है कि नहीं। MS सक्सेस इन लाइफ, जी सर। शैलजा बोल रही है, जी सर क्लियर है। आरजू शर्मा क्लियर है सब, ओके। अंजलि सोलंकी ओके, ठीक है। अंजलि सोलंकी कहाँ से हैं, काबुल से ही हैं क्या आप, है ना। देखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स, ओके। तो कल की क्लास में जो जो प्रेजेंट था वो प्रेजेंट लिख दें, यानी आपने कमेंट के सामने प्रेजेंट लिख दें, जो कल की क्लास में प्रेजेंट था वो एक बार प्रेजेंट करके सेंड कर दें मेरे पास कमेंट बॉक्स में। सारे स्टूडेंट्स कहाँ से हो अंजलि सोलंकी, कमेंट करें आप, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे आप लोग। शैलजा प्रेजेंट ओके, आरजू शर्मा प्रेजेंट ओके, MS सक्सेन लैब प्रेजेंट, लवकिश तेनुकुलिया क्लियर ओके, ठीक है। स्मार्ट मोहित भैया, राव राम तो ले ले लिया तुम्हारा, हाँ ले लिया भाई स्मार्ट मोहित। अंजलि सोलंकी आगरा से ओके, अंजलि सोलंकी ओके ओके बिल्कुल ठीक है ओके ओके। रईसुद्दीन उस्मानी, आई एम प्रेजेंट टीचर, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रेजेंट लग गई ना आप लोगों की, कल कल जो आए थे प्रेजेंट लगा दी। अब आप लोगों ने अपनी फीस नहीं भरी है, अगर आप लोग फीस लेके नहीं आएंगे तो आपको अगले जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बैठने नहीं देंगे आप लोगों को, है ना। आपके जो हाफली एग्जाम या जो एनुअल एग्जाम होंगे आपको फीस लेके आनी है, और कल पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है, अपने अपने घर वालों को बुला के लेके आना है, ठीक है। प्रेजेंट तो हम लोगों ने लगा ली, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आप लोगों को घर वालों को स्कूल में लेकर आना है सारे स्टूडेंट्स को, और अपने अपने फीस भी जमा करा देनी है, ओके। मैं भी आगरा से हूँ, MS सक्सेस लाइफ ओके भाई ओके। कितनी चाहिए सर, शैलजा सोलंकी स्मार्ट मोहित ओके, आरजू हाउ भैया ओके। शैलजा हमें फीस के रूप में 5 नए सब्सक्राइबर और 5 नया घंटा वॉचिंग टाइम चाहिए हम लोगों को। सारी फीस हमारे लिए होगी, सारे स्टूडेंट्स के लिए फीस, हमें नए 5 सब्सक्राइबर चाहिए। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, प्रत्येक बंदा फीस के रूप में 5 नए सब्सक्राइबर। 5 तो एक छोटी सी लिमिट है, आपका दिल बहुत बड़ा है मैं जानता हूं, 50 सब्सक्राइबर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 20 हमारी 5 सब्सक्राइबर ऑनलाइन ओके। शैलजा सोलंकी बिल्कुल मिल जाएंगे सर आप, पक्का बिल्कुल बिल्कुल। लवकिश तेनुगुरिया ओके सर बिल्कुल, हाँ ऑनलाइन है पीटीएम, बिल्कुल ऑनलाइन है पीटीएम ओके। MS सक्सेस लाइफ, थैंक यू भाई, आई ट्रस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स दिल से ओके ठीक है।
आगे इंग्लिश नहीं आए ना तो अपने हथियार डाल दो। देखिए पहला छोटे से शुरुआत करते हैं। पहला है एसेप्ट, पहला है एसेप्ट। एसेप्ट मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसका हो जाएगा रिजेक्ट। क्या हो जाएगा एंटोनियम्स इसका? रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। एसेप्ट का क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ओके स्मार्ट बॉय, ओके भाई, ओके ठीक है। पर आपका अट्रैक्ट, अट्रैक्ट बताएं, आपको पता हो तो कमेंट कर दिया करें, है ना। अगर आप लोगों को एंटोनियम्स पता हुआ करे तो आप कमेंट कर दिया करें, थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। और आप कमेंट कर, देखो जो स्टूडेंट कमेंट करेगा ना आंसर का, तो उसको जल्दी थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, याद भी हो जाता है, टच में बना रहता है क्वेश्चन। अट्रैक्ट माने होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना, आकर्षित करना। अट्रैक्ट माने आकर्षित करना। इसका हो जाएगा रिपेल, REPEL। क्या हो जाएगा इसका? रिपेल हो जाएगा, REPEL। और इधर तो हिंदी लिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको उल्टा करना है, ठीक है। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रिजेक्ट माने मना करना, अट्रैक्ट माने आकर्षित करना, रिपेल मींस हो जाएगा आकर्षित ना हो, अर्थात एक तरह का ओबाऊ, एक तरह का बोरिंग, है ना। कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है ना, कोई भी चीज आकर्षित कर रही है तो अट्रैक्टिव है, और आपको जो बोरिंग फील हो रहा है उसको रिपेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपेल। जी सर जी, एग्जाम होंगे या नहीं? आई एम सीरियस। ओम शिव लाला, आई एम नॉट अ एजुकेशन मंत्री ऑफ यूपी, आई एम ए आम बंदा ऑफ चलाइंग यूट्यूब, सो दैट आई कांट रिप्लाई ऑफ दैट क्वेश्चंस एंड पेपर बताना होंगे कि नहीं होंगे। रोहता चाहर, ओके रोहतास। मुराई जी सर क्या बात है गुरु जी, ठीक है। पेपरों की कोई बात नहीं यार, पेपरों में क्या रखा है यार, आराम से पढ़े यार। अब क्या रखा है पेपर में? ज्ञान क्या अथा सागर है, जितना आप लोग डुबकी लगाओगे ना उतना ज्ञान आपको मिलता जाएगा। जहां से मेरा ज्ञान लीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञान अथा सागर है, ठीक है, उसमें डुबकी लगाइए। मौज कर दी गुरु जी, मौज। कुछ नहीं यार, जिंदगी ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, जिंदगी का आखिरी नहीं, आखिरी रात हो या आखिरी दिन हो, उस तरीके से जीना चाहिए आप लोगों को। ओके एक्टिव, एक्टिव माने होता है सुस्त, है ना। इसका क्या हो जाएगा? एक तो डल हो जाएगा, डल, और एक हो जाएगा लेजी। एक क्या हो जाए? लेजी। रोहता चहार, आज काफी दिनों के बाद मिले हैं भाई आप, कहां से तब से? रोहता चहार, शैलजा, डल होगा बिल्कुल, इनएक्टिव भी हो जाएगा बिल्कुल। रोहता चहार भाई काफी दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं आज, कहाँ थे आप? आई मिस यू लॉट ऑफ, आई मिस यू लॉट ऑफ। एम्पल, AMPLE, एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, पर्याप्त। इसका हो जाएगा मीगर, MEAGRE, MEAGRE, इंपोर्टेंट है सभी। AMPLE पर्याप्त, इसका मीगर, MEAGRE। लवकेश तेनगुरिया, न्यू सब्सक्राइबर हैं वो क्या सोचेंगे कि टीचर पर इंग्लिश नहीं आती और एंटोनियंस पढ़ा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। जो देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों की आलोचना करनी बंद हो जाएगी ना, तो आप लोग समझ लें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आलोचना उनकी होती है, दुनिया मीठे फल को पत्र मारती है, आप जानते हैं। जो कच्चा फल होगा उसको कोई पत्र नहीं मारेगा। हम लोग जानते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस बंदे को इंग्लिश आती है नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या कहेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या है? द बिगेस्ट डिसीज इन दी वर्ल्ड, व्हाट विल पीपल से। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। जिस दिन हम लोग इस चीज को निकाल देंगे ना अपने दिमाग से, तो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। कहने तो कहने वाले कहते रहेंगे, है ना, कहने वाले कहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें पता है कि हम कितने पानी में, मेरे स्टूडेंट्स को पता हम कितने पानी में। तो आई डोंट केयर द क्रिटिसाइज, आई डोंट केयर क्रिटिसाइज द अदर्स, आई एम मस्त। कैसे
क्या हुआ रोहतास, क्या हो गया भाई बताएं? हमारे लाख कोई समस्या हो तो बताएं आप। कुन्नू सिंह, सारे स्टूडेंट्स हम तो लिखा रहे हैं उस पर ध्यान दें आप लोग। ओके आगे देखेंगे आप लोग। एक्यूजेशन, ए सी क्यू यू आई, ए सी क्यू आई, एस आई टी आई ओ एन, है ना। एक्यूजेशन होता है आपका, क्या हो जाएगा प्राप्त, क्या हो जाएगा प्राप्त, प्राप्त करना, क्या हो जाएगा प्राप्त करना, इसका हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा लॉस। ओके इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, आई लाइक इट, आई लाइक इट। रईसुद्दीन उस्मानी वेरी गुड, गजब, आपको इसमें फुल में से फुल मार्क्स इस कमेंट के लिए। लोग क्या सोचेंगे अगर ए भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक इट, नाइस कमेंट, नाइस कमेंट, नाइस कमेंट। चल रही है अभी, सब काम हो रहे हैं तो बना लेंगे, जब दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड, बहुत गजब कमेंट किया आपने रईसुद्दीन उस्मानी, वेरी गुड। चल रही है ना? भाई मोनू कमांड, मोनू कमांडो भाई, राव राम भाई, राव राम, मैंने ले ली भाई, आपने ध्यान नहीं दिया है, ले लिया राव राम मैंने। और रईसुद्दीन उस्मानी बहुत लाजवाब कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन कमेंट किया आपने, आई लाइक इट दैट कमेंट। कुन्नू सिंह, राव राम भाई, राव राम कुन्नू। ओके आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। एक्विट, आगे आपका एक्विट, ए सी क्यू यू आई टी, एक्विट, है ना। एक्विट माने होता है छोड़ देना, क्या होता है एक्विट मींस छोड़ देना, इसका हो जाएगा कन्वेंट, कन्विक्ट, कन्विक्ट बंदी बनाना हो जाएगा, ए सी क्यू, ए सी क्यू यू आई टी, एक्विट छोड़ देना, इसका हो जाएगा कन्विक्ट या कॉन्विक्ट। ओके ओके जी, एक नया एंटोनियम्स देखें, ऑल, ऑल, ऑल का हो जाएगा आपका, बताओ ऑल का क्या होगा, पता है किसी को ऑल का एंटोनियम्स, पता है किसी को? एक नया दे रहा हूं आपको, एक बार यूपी बोर्ड में डू और पूछा, डू आ चुका है, डू कमेंट करें पता हो तो, ऑल का और डू का एंटोनियम्स क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें जिसको पता है, ईपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं ऑल का और डू का एंटोनियम्स क्या होगा, जिसको पता हो वो कमेंट करें। रोहता चाहर, कुमार गौरव सर थे लीजेंड, वो रोड रोड द स्ट्रीट इन एजुकेशन फील्ड एंड गॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है रोहता चाहर, बिल्कुल सही बात करें। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ कुमार गौरव सर, ही इज अ लीजेंड, ही इज अ ग्रेट टीचर ऑन यूट्यूब स्टिल। शैलजा सोलंकी, नन, वेरी गुड। शैलजा बोल रही है अंडू, वेरी गुड शैलजा, के दोनों आंसर सही हैं, वेरी गुड इसके लिए, शाबाश गॉर्जियस शैलजा, वेरी गुड। ठीक है, ऑल का होगा आपका नन, ऑल का क्या होगा नन, ठीक है,
ऑल का नन होगा और डू का होगा अंडू। आपने देखा होगा जब छोटा सा फोन आता था तो उसमें सांप सीढ़ी का खेल आता था। सांप सीढ़ी का जो खेल आया करता था ना, तो उसका मैं खेल में होता था डू और अंडू। इस तरीके से छोटे से फोन में आते थे डू और अंडू। तो डू का एंटोनिम्स होता है अंडू। एक बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है डू का क्या होगा अंडू। कुन्नू सिंह यस, कुन्नू सिंह सर यस सर ओके ठीक है। फिर देखें अराइवल इसका होगा डिपार्चर DEPARTURE। ठीक है, अराइवल माने क्या होता है, ऑल माने सभी है ना, डू माने करना, अराइवल माने आना, इसका हो जाएगा डिपार्चर। क्या हो जाएगा डिपार्चर है ना, क्या हो जाएगा इसका डिपार्चर DE है यहाँ पे DEPARTURE डिपार्चर। अराइवल का क्या हो जाएगा डिपार्चर। गुड इवनिंग नो आईडी, गुड इवनिंग कुन्नू सिंह, आप कहाँ से हो पहले आप कमेंट करें, आप कहाँ से हो और आप एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने की बजाय अगर पढ़ने पर ध्यान दें तो मच बेटर है। कुन्नू सिंह ओके, हाँ बीकानेर से, बिल्कुल बीकानेर से, हाँ जो सेल जाए वो लाहौर से है। ठीक है, अब कमेंट नहीं करेंगे कहाँ से कौन कैसे है। ओके, आप बीकानेर से है, सैलजा लाहौर से है। ओके, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया सैलजा का, अब आप कमेंट नहीं करेंगे एक दूसरे से। बिल्कुल आगे देखेंगे, अब आप लोग आगे देखेंगे वारवर्स VARVAROUES VARVAROUS ये होता है असभ्य। इसका हो जाएगा सिविलाइज्ड CEVILIZED सिविलाइज्ड ओके CEVILIZED। बारवर्स मीन्स असभ्य, इसका हो जाएगा सिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा सिविलाइज्ड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, यहां से मैं रफ कर रहा हूं। यहां से कमेंट करें यहां तक आप। बढ़िया हो आप सर जी, आप अच्छा रोहतास, क्लियर है नो आईडी सर। एक दो से आगे जो वर्ड बोले हैं उन्हें रिपीट करना। एक तो मैंने वार वर्ड्स बोला है VARVAROUS, उसका बोला है मैंने सिविलाइज्ड। क्या बोला है मैंने सिविलाइज्ड ओके एक बोला है मैंने सिविलाइज्ड। उससे पहले मैं फिर बोला मैंने अराइवल का होता है डिपार्चर, अराइवल का डिपार्चर। आई थिंक मैंने यही दो शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, यही शब्द बोले मैंने दो। आगे देखें आप लोग, आगे देखेंगे, कमेंट कर दिया करें आपको आ रहा है तो। ब्लंट VLUNT ब्लंट का होगा शार्प। क्या होगा शार्प। ब्लंट मीन्स जो थीका ना हो, पैना ना हो, यानी भौंतरा।
क्या होगा बोंतरा, और शार्प मींस हो जाएगा पैना, क्या हो जाएगा पैना, है ना, ब्लंट मींस बोंतरा और शार्प मींस पैना, ओके। फिर आपका बॉटम, एंटोनिम्स काफी सिंपल हैं और डिफिकल्ट नहीं आते हैं आपके, बॉटम का हो जाएगा टॉप, बॉटम का टॉप, बॉटम मींस होता है पैंदा, क्या होता है पैंदा, यानी नीचे का जो हिस्सा होता है बॉटम होता है, ऊपर का हिस्सा होता है वो टॉप होता है, क्या होता है टॉप, बॉटम टू टॉप बोलते भी हैं, बॉटम टू टॉप, बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। फिर देखेंगे ब्रॉड, वी आर ओ ए डी, ब्रॉड मींस चौड़ा, ब्रॉड मींस हो जाएगा आपका, ब्रॉड मींस चौड़ा होता है, ब्रॉड मींस चौड़ा, इसका हो जाएगा नैरो, क्या हो जाएगा नैरो, ओके, ब्रॉड मींस चौड़ा होता है, इसका क्या हो जाएगा नैरो हो जाएगा, एपेक्स क्लाइमैक्स, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकते हैं, डोंट वरी। आगे आपका वी आर यू टी ए टी आई टी वाई, एल आई टी वाई, ब्रूटेलिटी, है ना, ब्रूटेलिटी मतलब होता है क्रूरता, एक तरह का निर्कुंशता, अत्याचार एक तरह का, क्या अत्याचार, उसे बोला जाएगा ब्रूटेलिटी, इसका हो जाएगा ह्यूमिनिटी, एच यू एम ए एन आई टी वाई, ओके, एच यू एम ए एन आई टी वाई, ब्रूटेलिटी का हो जाएगा ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी बिल्कुल, ऐसे कमेंट करते चले आप लोग सभी, शाबाश, ऐसे कमेंट करते चले आप लोग। केयर, परवाह करना होता है, इसका हो जाएगा निगलेक्ट, क्या हो जाएगा निगलेक्ट, निगलेक्ट, एन ई जी एल ई सी टी, ओके, केयर का हो जाएगा निगलेक्ट। कॉज, कारण, इसका हो जाता है इफेक्ट, क्या हो जाता है इफेक्ट, सी ए यू एस ई कॉज, इसका क्या हो जाएगा इफेक्ट, कॉज का इफेक्ट, ओके। फिर कॉशियस, सी ए यू टी आई ओ यू एस, कॉशियस, सावधान, इसका हो जाएगा रैकलेस, 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 सी ए यू टी आई ओ यू एस, कॉशियस मीन्स सावधान, इसका क्या हो जाएगा रैकलेस, आर ई सी के एल ई डबल एस, रैकलेस, ओके। और कौन सा आपका है, नो 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 नो, हाँ ये पूछा जा सकता है, करेजियस, सी ओ यू आर ए जी ई ओ यू एस, करेजियस, करेजियस मान तो होता है साहसी, सी ओ यू आर ए जी ई ओ एस, करेजियस मीन साहसी, इसका हो जाएगा टिमिड, टी ई एम आई डी, टिमिड, टी ई एम आई डी, करेजियस का साहसी हो जाएगा, ओके। फिर आपका कॉन्फिडेंस, सी ओ एन एफ आई डी ई एन सी ई, कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस, डी आई डबल एफ, डी आई डबल एफ आई डी ई एन सी ई, डी ई एन सी ई, कॉन्फिडेंस का क्या हो जाएगा डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस, ओके ओके, सर्टेन अनसर्टेन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेडी का देखा, कॉमेडी को देखो आप, सी ओ एम ई डी वाई, कॉमेडी माने जानते हैं आप लोग क्या होती है, मजाक, इसका हो जाएगा ट्रेजिडी, टी आर ए, टी आर ए ट्रेडी, ट्रेजिडी, ओके, टी आर ए जी ई डी वाई, टी आर ए जी ई डी वाई, कॉमेडी का ट्रेजिडी, ओके ओके ओके, चूज, रिजेक्ट नहीं, कलेक्ट नहीं पूछेंगे इसको, कलेक्ट, हाँ ये पूछा जा सकता है, कलेक्ट, कलेक्ट मींस इकट्ठा करना होता है, इसका हो जाएगा डिस्पर्स, डी आई एस पी ई आर एस ई,
डी आई एस पी ई आर एस सी कलेक्ट का डिस्पर्स, स्केटर बिखेरना, बिल्कुल सर सीरियस नहीं होगा क्या, किसका सीरियस बताएं, कॉमेडी का सीरियस, कॉमेडी की कर रही है रतन कुमारी, कॉमेडी की बात कर रही है क्या, कि कॉमेडी का सीरियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कॉमेडी ट्रेजेडी, ठीक है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो कंडेम, CONDEMN, इस मीन्स होता है आलोचना करना, CONDEMN आलोचना करना, इसका हो जाएगा प्रेज, PRAISE, तारीफ करना है, प्रशंसा करना, CONDEMN आलोचना करना, इसका हो जाएगा प्रेज, PRAISE, बिल्कुल रहता चाहर सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल। फिर देखेंगे क्रेडिट है ना, क्रेडिट का हो जाएगा कैश, क्या हो जाएगा कैश, क्रेडिट माने होता है उधार, क्रेडिट माने होता है उधार, ओके, इसका क्या हो जाएगा कैश, क्या हो जाएगा इसका कैश, सुने आपने सुने होंगे ना, डेबिट कार्ड जो एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड है ना एक ही होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड अलग होता है, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है उधार, यानी आप लोगों का क्रेडिट, पहली बात तो जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड होता है वो काफी मतलब हर बंदे का नहीं बनता है, जो थोड़ा सा ऐसे बंदे, क्योंकि क्या है, अगर किसी बंदे के पास क्रेडिट कार्ड है ना, तो वो भले ही आपके पास, आप बैंक से कितना भी लोन ले सकते हैं आप लोग, और आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड लगाना है, और आप लोगों को क्या अपना पे कर देना है, भले ही आपका 10, देखो आप एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड तो आपके खाते से कलेक्ट होते हैं या कनेक्ट होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपके खाते से कनेक्ट नहीं होता है, ये क्या सीधा सा, अगर कहीं आप शॉपिंग करने के लिए कहीं भी, तो आप उसको लगा दो, इसलिए लड़कियों को क्रेडिट कार्ड कम दिया जाता है, क्योंकि अगर एटीएम कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा तो उसमें आपके खाते का 10,000 रुपये होंगे, 10,000 रुपये तक की ही शॉपिंग कर पाएंगे, फिर आपके कटेंगे ही नहीं, क्रेडिट कार्ड क्या, लड़कियां कहीं भी जाके लगा देती हैं उसको, 10,000 की शॉपिंग कर रही होंगी तो उसको 25 भी कर लेंगे, 30 भी कर लेंगे, और बैंक में उसको पे करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ड मतलब होता है सरकार क्या आता है, नए बंदों को देती है, यंगर बंदों को, क्योंकि इनको सरकार अपना क्या है, अपना एक कस्टमर बनाती है, क्रेडिट कार्ड का मतलब है सीधा पैसा उधार, बैंक से आप पैसा उधार ले सकते हैं, इसको बोला जाता है क्रेडिट कार्ड, और देखा होगा जब कभी आप अम्मा जान नहीं अमेजोन आपका अमेजोन और आपका अमेजोन वगैरह होती है चीजें होती है ना, इन पर क्या होता है, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड पर कम छूट मिलती है, क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा छूट मिलती है, इसका रीजन क्या है कि लोग क्या करें, क्रेडिट कार्ड बनवा लें और बैंक के कस्टमर बन जाएं और उधार लेना शुरू कर दें, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ओके, समझ में आ रहा आप लोगों को, क्रूल, CRUEL, ठीक है, इसका हो जाएगा काइंड, इसका क्या हो जाएगा काइंड, इस मीन्स होता है निर्दयी, क्रूल मीन्स होता है निर्दयी, इसका क्या हो जाएगा काइंड, चालू, इसका हो जाएगा काइंड, ओके, आगे देखेंगे आप लोग, डीप, इसका हो जाएगा सैलो, डीप मींस गहरा, सैलो मींस उथला, है ना, डीप का क्या हो जाएगा सैलो हो जाएगा, रविंद्र सिंह जी सर, राधे राधे भाई साहब,
फिर देखो डिफेंसिव, डी ई एफ ई एन एस आई बी ई डिफेंसिव, इसका हो जाएगा ऑफेंसिव, ऑफेंसिव इसका क्या हो जाएगा ऑफेंसिव, ठीक है, डी ई एफ ई एन एस आई बी ई डिफेंसिव, रक्षात्मक यानी रक्षा करते हैं, डिफेंसिव डिफेंसिव शॉट मारते हैं, रक्षात्मक होता है डिफेंसिव, ऑफेंसिव होता है विरोधात्मक, विरोधात्मक डिफेंसिव का ऑफेंसिव। फौजी साहब कहां से कमेंट करें फौजी साहब आप? हाँ बेटा फौजी साहब आपने जो कमेंट किया है किसके किसके लिए कमेंट किया है? डिफिसिट, डी ई एफ आई सी आई टी, डी ई एफ आई सी आई टी डिफिसिट में होते हैं कमी, कमी इसका हो जाएगा सरप्लस, सरप्लस माने पर्याप्त, डी ई एफ आई सी आई टी कमी इसका हो जाएगा सरप्लस। जो ये आपस में बात कर रहे हैं मतलब इनको ब्लॉक कर देना, एक तो ये एच जे के, एक है फौजी साहब, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं। अगला डिस्ट्रेस, डी आई एस टी आर ई एस डिस्ट्रेस, मुसीबत होती है, डी आई एस टी आर ई एस डिस्ट्रेस मुसीबत, इसका हो जाएगा सी ओ एम एफ ओ आर टी, ठीक है, डी आई एस टी आर ई डबल एस डिस्ट्रेस का हो जाएगा कंफर्ट, कंफर्ट बोलेंगे इसको। फिर देखेंगे डिलीजेंट, डी आई एल आई जी ई एन टी डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, इसका हो जाएगा आइडल, आई डी एल ई, आई डी एल ई, आई डी एल ई डिलीजेंट। आप लोग उतार रहे होंगे या आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां तक आप लोग कमेंट करें, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में क्या आपको याद ही करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे एंटोनियम इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कमेंट करें आपको समझ में आ रहा है और आप लोग क्या लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, सारी चीजें आप लोग बताएं, या आप लोग ये भी बताएं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं आप लोग मोनू कमांडो? यस भैया बिल्कुल, आप लोग लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले लें ये भी बताएं। शैलजा सोलंकी हाँ सर आ गया, ओके, आरजू शर्मा लिख लिया भैया, ओके ओके, और कमेंट करें आप लोग, और कमेंट करेंगे आप लोग जल्दी से। विजयपाल सिंह, रावराम भाई, रावराम भाई, विजयपाल, रावराम भाई कैसे कैसा है विजयपाल, कमेंट करें,
शैलजा लिख लिया सर, राइट कर रहे हैं सर। ओके एम एस सक्सेस इन लाइफ। ओके शैलजा, विजयपाल कैसा है भाई, कमेंट करें। लिख लिया मोनू कमांडो, बिल्कुल मोनू कमांडो भाई। रतन कुमारी लिख लिया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, शाबाश। विजयपाल ठीक हूँ, ओके किसकी तैयारी चल रही है विजयपाल? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, पैसों से घर वालों के लिए खर्चे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग, आगे देखेंगे कुछ और, बहुत सिलेक्ट कुछ और ही देखते हैं बस, थोड़ा सा ही और देखेंगे। जब तक आप लोग कमेंट कर दें एक और अच्छी वाली के, कल आप लोग क्या क्या पढ़ना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कर दें, कल आपको फ्रेजेस पढ़ाए जाए, जो आइडियम्स फ्रेजेस होते हैं वो पढ़ाए जाए, या कुछ और पढ़ाया जाए, या चैप्टर पढ़ाए जाए, आरजू चैप्टर की बोल रही थी, चैप्टर कराया जाए कल, कल के लिए कमेंट कर दें। हालांकि अभी तो क्लास चलेगी, अभी अभी क्लास चलेगी आपकी। ओके विजयपाल वेरी गुड, कैरी ऑन। रावराम भाई, कृष्णवीर भाई, रावराम, रावराम भाई सैफ साहब कमेंट करें, करवा दिए सर ईडीएम फ्रेजेस, करवा दिए, करवा दिए मैंने। ओके शायद मैंने शैलजा होमफोन्स कराए, मैंने शायद होमफोन्स और बनवर्ड, या फिर मैंने बनवर्ड नहीं कराए होंगे, कोई ना कोई टॉपिक मिस कर रहा हूंगा मैं। रतन कुमारी बोल रही है चैप्टर पढ़ाया जाए, बिल्कुल जी बिल्कुल, जो आज्ञा। नोएडी लिख रहे हैं सर, जैसी आपकी आज्ञा। आरजू शर्मा अपने अकॉर्डिंग करा देना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डाला है, हमें इंक डालना, फिर तो मैं डाल लूंगा डिस्ट्रक्टिव, डी ई एस टी आर यू सी टी आई ई, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, सी ओ एन एस टी आर यू सी टी आई बी ई, सी ओ एन एस टी आर यू टी आर यू सी ओ एन एस टी आर यू सी टी आई बी ई, डिस्ट्रक्टिव का कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मान होता है नष्ट, एक तरह का नष्ट करना, डिस्ट्रक्टिव इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। एयरफोर्स लवर हेलो गुरु जी, हेलो भाई, हाँ अपने हिसाब से देख लेंगे। एयरफोर्स लवर सॉरी सॉरी, क्यों क्या हुआ भाई? एयरफोर्स लवर बनवर्ड नहीं कराए सर, ईडीएम फ्रेजेस होमफोन्स करवा देंगे, बिल्कुल बनवर्ड करा देंगे सर, जा फिर कल हम लोग बनवर्ड करा देंगे। एयरफोर्स लवर सॉरी, क्यों क्या हुआ भाई? फिर देखें डोमेस्टिक, डी ओ एम ई एस टी आई सी, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का हो जाएगा वाइल्ड, वाइल्ड डी ओ एम ई एस टी आई सी, डोमेस्टिक डी ओ एम ई एम ई एस टी आई, डोमेस्टिक माने घरेलू, इसका हो जाएगा वाइल्ड, क्या हो जाएगा वाइल्ड, ठीक है। फिर देखें डिपॉजिट, डी ई पी ओ एस आई टी, डिपॉजिट, विदड्रॉ, विदड्रॉ इसका क्या हो जाएगा विदड्रॉ, डिपॉजिट माने जमा करना, विदड्रॉ मीन्स निकालना, विड्रॉ मीन्स निकालना, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, आई आकाश बिल्कुल, आकाश आपको कैसे पता? एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट आगे एक्सपीडाइट, ई एक्स पी ई डी आई टी ई, एक्सपीडाइट, एक्सपायर्ड मतलब जल्दी, इसका हो जाएगा डिले, डी ई एल ए वाई, डिले
एक्सपीडाइट, ई एक्स पी ई डी आई टी ई, एक्सपीडाइट का हो जाएगा डिले, डिले। काव्या यादव बोलो, काव्या यादव एक्सपीडाइट का क्या हो जाएगा, डिले। ओके डिले। गेस्ट, हाँ ये भी पूछ लेते हैं, गेस्ट जी यू ई एस टी, गेस्ट, गेस्ट का हो जाएगा होस्ट, क्या हो जाएगा होस्ट। फिर आपका इनमें से काव्य यादव क्वालिटी बढ़ा के देखें, काव्य यादव देखेगा क्वालिटी बढ़ा के देखें, क्वालिटी बढ़ा के देखें। नो आईडी, कब जा रहे हो सर? 12 को जाऊंगा भाई, 12 को। उसके बाद देखें आप लोग, होप एच ओ पीई, होप इसका हो जाएगा डिस्पेयर, डी ई एस पी ए आई आर, निराशा, होप मीन्स आशा, इसका हो जाएगा डिस्पेयर। ओके हम्बल, एच यू एम बी एल ई, हम्बल, हम्बल का हो जाएगा प्राउड, पी आर ओ यू डी, हम्बल का प्राउड। इनहेल, इनहेल ये भी पूछ लेते हैं, छोटे से पर इंपॉर्टेंट है, इनहेल का एक्सहेल। इंपोर्ट ये भी पूछा जाता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट है, छोटे से पर काफी इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट। नॉलेज, के एन ओ डब्लू एल ई डी जी ई, नॉलेज का हो जाएगा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, नॉलेज का इग्नोरेंस, नॉलेज का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। हाँ ओटी भी हो जाएगा, बिल्कुल रतन कुमारी ओटी भी हो जाएगा, इसका मतलब है रतन कुमारी याद कर रही हैं, रतन कुमारी याद कर रही हैं, इसका मतलब वेरी गुड, कैरी ऑन करते रहें याद। मैग्नीफाई, इसे देखें नया शब्द है मैग्नीफाई, एम ए जी एन आई एफ वाई, मैग्नीफाई माने बढ़ाना, इसका हो जाए रिड्यूस, कम करना, कम करना, मैग्नीफाई माने बढ़ाना, रिड्यूस मीन्स कम करना, कम करना। नेचुरल, नेचुरल इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, नेचुरल का आर्टिफिशियल, अननेचुरल भी हो जाएगा। कल का टॉपिक वन वर्ड रखते हैं ना, फिर वन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कल का टॉपिक हम लोग वन वर्ड ही रखते हैं, उसके बाद चैप्टर देखेंगे, कल का टॉपिक हम लोग वन वर्ड रखेंगे, है ना, वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक क्या हो जाएगा, पैसिमिस्टिक, 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 ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक। हाँ मैंने, हाँ बता रहा हूँ, एम एस सक्सेस लैब वाला बता रहा हूँ, एम एस सक्सेस लैब वाला अपना पूरा नाम और बता दें एक बार, आप हमारे वो रेगुलर स्टूडेंट हो चुके हैं और आप डेली क्लास ले रहे हैं, पर थोड़ा सा आपका आप नाम से परिचित हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। एम एस सक्सेस लैब लाला अपना पूरा नाम बता दें और एक बार ये बता दें आगरा से आप कहाँ से हैं, एक बार और बता दें आप लोग। इनिशियल क्या क्या होगा भैया, इनिशियल, इनिशियल का एंड हो जाएगा, इनिशियल माने प्रारंभ होता है, प्रारंभ, एंड हो जाएगा इसका,
मुलायम, ओके भाई, ओके। आगे देखेंगे आप लोग, आगरा प्रॉपर, ठीक है भाई, वेरी वेरी गुड। हाँ फाइनल भी होता है, बिल्कुल फाइनल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आए तो किसी दिन पहचान लेना भाई हमें, ओके। आता रहता हूँ आगरा में, वहां तक आता हूँ, आगरा मलप्रा तक, वहीं तक पहुंचे मेरी प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल। इसका हो जाएगा स्केयर्स, SCER, SCARCE। ठीक है चलो, कुछ और रहेंगे, 7-8 जल्दी फिनिश कराते हैं। परमानेंट एक क्लियर नहीं है, प्लीज डिसप्लीज ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रिलीजियस, हाँ इसको लिख लें, रिलीजियस, RELIGIOUS, REL, RELIGIOUS, रिलीजियस का हो जाएगा सेकुलर। कृष्ण जी बोल रहे हैं, ओके सर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, SECURITY। कृष्ण कृष्णवीर आपका शब्द आ गया है सिक्योरिटी वाला, इसका आ गया रिस्क, सिक्योरिटी है ना। चलो मैं एक बार इसका अर्थ बता देता हूँ फिर आपको कुछ, चलो अभी और लिखा देता हूँ थोड़ा सा। टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, ट्रुथ का लिख लें, फाल नहीं, ट्रुथ का फालसुड, ठीक है इतना नहीं है। टॉलरेंस का वाइग्यू, डेफिनेट, वायलेंस, नॉन वायलेंस, एडवांस का इंपॉर्टेंट है, एडवांस, ADVANCE, इसका हो जाएगा RETREAT, रेट्रीट। नीड का क्या होगा बता रहा हूं भाई, नीड का क्या होगा, MS सक्सेस, मुलायम, हिंदी देखें, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव माने होता है नष्ट या विध्वंस, नष्ट होने वाला, डिस्ट्रक्टिव माने नष्ट होने वाला। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, डिपॉजिट माने जमा करना, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का होगा, एक्सपीडाइट का होगा जल्दी, डिले हो जाएगा इसका, डिले। एक्सपीडाइट माने होगा जल्दी, इसका हो जाएगा डिले। गेस्ट मींस मेहमान, इसका होस्ट। होप मींस आशा। हम्बल, हम्बल मींस होता है विनम्र, मतलब बहुत शांत स्वभाव का बंदा, उसे हम्बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम्बल। इनहेल माने सांस लेना, इंपोर्ट माने निर्यात करना, निर्यात यानी घर के अंदर कोई चीज बेचते हैं वो इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट, निर्यात ये होता है आयात। नॉलेज ज्ञान, मैग्नीफाई माने बढ़ाना, नेचुरल माने प्राकृतिक, प्राकृतिक जो कुछ भी आप समझे। ऑफन का माने अक्सर, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक क्या हो जाएगा, आशावादी। आशावादी, ओके। प्लेंटीफुल माने होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। रिलीजियस, धार्मिक। सिक्योरिटी आप लोग जानते ही हैं। एडवांस माने आगे बढ़ना, एडवांस मीन्स आगे बढ़ना।
और ये पूछ रहे हैं नीड का जो एंटोनियम्स होगा, नीड के कई सारे एंटोनियम्स होते हैं, आपका वेल्थ भी हो जाएगा या फिर नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल भी होता है नीड का एंटोनियम, नॉन इसेंशियल, कंफर्ट भी हो जाएगा, COMFORT, लग्जरी वगैरह काफी हो जाएंगे, ठीक है। ओके प्रोडिगल का क्या होगा भैया? प्रोडिगल देखना पड़ेगा भाई, पता नहीं, प्रोडिगल का देखना पड़ेगा, प्रोडिगल, ठीक है। गैलियंट ये देख लें, आवश्यक है अभी तो, GALLENT, गैलियंट का कॉवर्ड, गैलियंट मीन्स बहादुर, यहां तक आप लोग उतार लें, यहां तक मैं रफ कर रहा हूं, गैलियंट मीन्स बहादुर। ओके इकोनॉमिकल हो जाएगा इसका, प्रोडिगल का इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल या थ्रेप्टी भी हो जाएगा, थ्रेप्टी, प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, खर्चीला, इसका इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इसको देख लें, एक AVHOR नफरत, इसका हो जाएगा लव, LOVE, AVHOR नफरत, इसका लव हो जाएगा, लव। ओके फिर देखें FROWN फ्रॉन, गुर्राना, इसका हो जाएगा स्माइल, स्माइल या बहुत चढ़ाना, डायनामिक, डायनामिक, स्टैटिक, डायनामिक का स्टैटिक, रिगोरस, RIGORUS, रिगोरस का हो जाएगा सिंपल, स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ का हो जाएगा रफ, RUGH, स्मूथ का रफ, एक्स्ट्रावेजेंट, अभी पूछ रहे थे प्रोडिगल भी होता है, एक्स्ट्रावेजेंट और प्रोडिगल दोनों सिनोनिम्स हैं, इसका हो जाएगा इकोनॉमिकल। डिस्क्लोज, DASCLOSE, इसका हो जाएगा हाइड, इसका हो जाएगा हाइड, विजेबल, विजेबल, VISIVLE, इनविजेबल हो जाएगा इसका, एब्जर्ड, एब्जर्ड, रीजनेबल, रीजनेबल, एब्जर्ड का रीजनेबल, ठीक है। प्रोडिकल का बता दिया मैंने, इकोनॉमिकल होता है, करेजियस बताया था तो मैंने अभी, करेजियस का,
करेजियस का टिमेड हो जाएगा, TIMID, करेजियस का टिमेड। कमेंट करें आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आज की क्लास कैसे लगी। सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपके खत्म करा दिए, यानी चार नंबर आपके पक्के हो गए। एंटोनियम्स इसी वीडियो से आपके फंस जाएंगे। और सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं कितने एंटोनियम्स आज मैंने लिखा दिए। कल सिनोनियम्स मैंने शायद 60 लिखाए थे और एंटोनियम्स मैंने कितने लिखा दिए। कमेंट करें आज की क्लास कैसी लगी, ये भी कमेंट करें आप लोग। और कल हम लोग वनवर्ड कराएंगे, वनवर्ड उसके बाद चैप्टर करा देंगे। कल वनवर्ड कराएंगे हम लोग, और कई चीज़ें अभी तो आपको स्टोरी कराना सिखाना है, अनसीन पैसेज भी कराना है, अनसीन पैसेज भी कराना है आप लोगों को, स्टोरी कराना भी सिखाना है आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी कराने हैं स्टोरी के आधार पर, है ना। इंपॉर्टेंट यूजेस कराने हैं आप लोगों को, अभी अनसीन पैसेज कराना है आप लोगों को, और चैप्टर्स कराने हैं, चैप्टर्स आप लोगों को करा के फिर सप्लीमेंट्री के जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने हैं आपको। आरजू शर्मा 57 एकदम मस्त हिंदी बताओ, MS एक्सेल लाइफ 57 लिखा दिए। स्मार्ट मोहित बहुत बढ़िया क्लास गुरुदेव, MS एक्सेल लाइफ हाँ सर। शैलजा 57 57 हिंदी देखो भाई सही है। एवर मीन्स नफरत करना, एवर मीन्स नफरत करना, FROWN फ्रॉन मीन्स होता है बहुत चढ़ाना या क्रोधित होना, एवर नफरत करना, फ्रॉन मीन्स होता है क्रोधित होना, क्रोधित होना। डायनामिक माने गतिशील, डायनामिक मीन्स गतिशील। ओके रतन कुमारी, ओके आकाश, डायनामिक्स गतिशील। रिगोरस होता है असाधारण, असाधारण रिगोरस। और सिंपल माने साधारण। स्मूथ मीन्स चिकना। एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट खर्चीला। डिस्क्लोज माने दिखाना, डिस्क्लोज मीन्स दिखाना। विजेबल मीन्स जो दिखाई दे, विजेबल होता है दिखाई दे। एब्जर्ड माने होता है विवेक शून्य, जिसमें ज्ञान बिल्कुल ना हो उसे बोला जाएंगे एब्जर्ड, विवेक शून्य, एब्जर्ड विवेक शून्य, जिसमें ज्ञान ना हो ये दिखाई देने वाला। डिस्क्लोज माने दिखाना। ओके ओके भाई मुलायम, ठीक है आज के लिए इतना ही। कल हमारी वन वर्ड की क्लास रहेगी और इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं जल्दी आपके खत्म हो जाएंगे ग्रामर के लगभग। और आप लोग सर्च करके कल कमेंट करना आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका रह गया है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग वन वर्ड कराएंगे। ओके ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली क्लास लेते रहिए, कैरी ऑन एंड कंटिन्यू। ओके ठीक है।